वंदे गो मातरम गो भक्तो, आज आप देख रहे हो हरा चारा गो माता के लिए आया है। और आज हरा चारा हमारे प्रिय गो भक्तों के, जिनका सहयोग हमेशा गो सेवा तन मन धन से रहते, ऐसे हमारे प्रिय गो भक्त जो हमेशा गो सेवा से जुड़े हुए हैं। आज गो भक्त कमला देवी, श्रीमान गो भक्त पुरखाराम जी सियाग चोरा, जिनके परिवार में जो 11 का व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें 11 का व्रत रखती हैं, जो 11 या 12 15 जो भी संकल्प होता है, वो व्रत पूरा होने के बाद में ब्राह्मण को भोजन कपड़े करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तो आज हमारे गो भक्त पुरखाराम जी के परिवार ने मिल करके और 15,687 रुपये का जो हरा चारा गौ माता को खिला करके जो अपना व्रत का संकल्प पूरा किया, और व्रत पूरा होने पर पुण्य कमाया। गौ भक्त पुरखाराम जी पूरे परिवार के साथ गौ सेवा में आए, और हमारे गौ भक्त गणपत जी और दिनेश जी बहुत ही प्रिय गौ भक्त हैं, जो मासिक सदस्य भी हैं और हमेशा तन मन धन से समर्पित हैं। आज अपने हाथों से गौ माता को हरा चारा खिलाया। जब गौ भक्तों अपने हाथों से कोई भी पुण्य करते हैं, या कोई भी जैसे अमावस्या 11 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, जब व्रत खोलते हैं और गोदान करके गौ माता की सेवा करके जब पुण्य की शुरुआत करते हैं, तो अनंत पुण्य और बहुत ही आनंद अनुभूति महसूस होती है। आज ऐसे ही देख सकते हो आप परिवार के सदस्य यहाँ आए, गौ माता हरा चारा कितना आनंद पूर्वक जीम रही है। बहुत ही अच्छा नेक कार्य और बहुत ही पुण्य का कार्य किया है इन गौ भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही प्रिय गौ भक्त है। धन्य आपके माता पिता को, धन्य आपकी सेवा, धन्य आपके परिवार की सेवा और आपका पुण्य। बहुत बहुत बधाई। जय गौ माता, जय गौ।